फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे हेलो नेबर की स्टोरी। हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमारे नेबर को आखिर क्या हुआ, क्यों वो ऐसे हरकत करता है, उसकी फैमिली कहां गई, वो बच्चों को ऐसे तंग क्यों करता है और उसके बेसमेंट में आखिर क्या है। तो चलिए इस पहेली को सॉल्व करते हैं वैसे ही जैसे हमने ईवल नन में सॉल्व की थी। हम गेम्स में रखे सारे क्लूज को डिकोड करके स्टोरी पता लगाएंगे हेलो नेबर की। अगर आपने मेरी ईवल नन की स्टोरी नहीं देखी है तो जाइए और देखिए मेरे चैनल पर अभी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हेलो नेबर की स्टोरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो नेबर स्टार्ट होता है एक्ट वन से, जिसमें हम एज अ किड खेल रहे होते हैं और अचानक हमें घर में कुछ अजीब होता दिखता है। पर हम वहां जाके देखते हैं तो जो नेबर है वो किसी को बेसमेंट में बंद करके ताला लगा रहा होता है और फिर वो हमें देख लेता है और हमें पकड़ लेता है। तो चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी हेलो नेबर की। तो पहला क्लू जो घर में है वो है मिसिंग के पोस्टर्स। इसमें आप देख सकते हैं एक लड़की और एक लड़के का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मिसिंग लिखा हुआ है, जिसको हमारे नेबर ने ही इस पेड़ पे लगाया हुआ है। दूसरा क्लू है घर में अंदर जाने पे आपको पेंटिंग्स दिखती है, एक प्ले रूम दिखता है जो बच्चों का रहता है। उसके अलावा एक डॉल हाउस भी दिखता है घर में जो लड़कियों का होता है, तो उसकी एक लड़का और एक लड़की थी, ये तो पक्का था। और ये आगे और भी पक्का हो जाता है जब एक्ट थ्री में हम देखते हैं कि उसके घर में डॉल और उसकी वाइफ के पर्स और जूते रखे रहते हैं। फिर आगे और जाने पे हमें उनकी सिमेट्री यानी कब्र दिखती है जो उसके घर वालों के रहती है, जिससे कार क्रैश का क्लू मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं तो उसकी पूरी फैमिली पोर्ट्रेट रहती है, जिसमें वो उसकी वाइफ, एक बच्ची और एक बच्चा दिखते हैं, यानी पूरी फैमिली थी उसकी। तो आखिर क्या हुआ उसकी फैमिली को? पहले वो हंसी खुशी रहते थे, उसकी वाइफ खाना बनाती थी, बच्चे खेलते रहते थे आपस में और उसे भी बहुत अच्छा लगता था। वो उनका पापा था और उनके साथ फैमिली की तरह रहता था। उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि अभी है, वो हसमुख था पहले। फिर एक्ट में आगे जाने पर हमें पूरी असलियत का पता चलता है। आगे जाने पर हमें ये दिखता है कि कैसे हमारा नेबर और उसकी फैमिली कार से जा रहे थे, कहीं ट्रिप था शायद उनका कहीं जाने का, जिसमें सभी के सभी कार में सवार थे। तो इसमें ऐसा दिखाया है जैसा हम बाहर जाते हैं तो हेलो नेबर कार में जा रहा होता है, उसकी फैमिली सब साथ में कार में चले जाते हैं। उसके बाद वो ड्राइव करता है कार को और उसकी फैमिली ट्रिप के लिए कहीं निकल जाती है। फिर आगे की क्लिप में हमें ये पता चलता है कि कैसे कार क्रैश हो जाती है, उसका टायर फेंकाता है और ये देखिए कार पड़ी हुई है और हमारा नेबर रो रहा होता है। एक आइसक्रीम ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो जाती है जिसमें वो भी खुद घायल हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे नहीं बच पाते। वहीं पास में हमें उसकी वाइफ का जूता भी दिखता है जो कार क्रैश में फेंकाया हुआ रहता है। और गेम में आगे जाने पर आप उसके बच्चों का कमरा भी देख सकते हैं, बेड वैसे ही का वैसे ही सजा हुआ रहता है, उसने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया रहता बल्कि सहेज कर रखा रहता है अपने बच्चों का। हमारा नेबर ये मानने को तैयार ही नहीं रहता कि उसके बच्चे नहीं रहे, इसलिए आपको जगह जगह बच्चों के कटआउट्स भी दिखते हैं। एक्चुअली वो बेसमेंट में लॉक कर रहा होता है अपनी बच्चों की यादों को ताकि उस तक कोई और ना पहुंच पाए। उस क्रैश से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। जैसे ही हम आगे और गेम में जाते हैं तो हमें एक बेड दिखता है जिसमें ECG चल रहा होता है, हार्ट बीट चल रही होती है और अचानक ही वो डेड हो जाती है, रुक जाती है। ये उसकी वाइफ का बेड सीन रहता है जिसमें उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है और बाद में आप उसे हॉस्पिटल में रोता हुआ भी पाएंगे। अगले सीन में आप अगर आगे देखेंगे तो हमारा नेबर दुखी होकर वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है और आखिरकार जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही रोता है। तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी है हमारे नेबर की कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण वो इस तरीके से बदल गया। घर में आगे जाने पर एक्ट में आपको मिसिंग के बहुत सारे फोटो देखेंगे, बहुत सारे पोस्टर देखेंगे जो उसी के द्वारा छापे गए थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके बच्चे मर चुके हैं, तो वो रात में जाकर जगह जगह पे वो पोस्टर लगाकर अपनी बीवी की याद में रोता रहता था।
हमारा नेबर बहुत ही दुखी था और अपने डर से लड़ रहा था। उसका डर था उसके बच्चे, तो इसलिए वो किसी को अपने घर में आने नहीं देता था। पर अगले एक्ट में जब हम उसके घर से आखिरकार भागने में कामयाब होते हैं, तब हम उसे देखते हैं। उसे बस ये डर था कि उसकी बच्चों की यादों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। वह बुरा आदमी नहीं था। तो फाइनल एक्ट में जब हम और बड़े हो जाते हैं, तब हम एक चिट्ठी पाते हैं। फिर हमें याद आता है उस हेलो नेबर की, तो हम उसके सिटी में उससे मिलने फिर से जाते हैं। हम देखने जाते हैं कि घर कैसा है और अभी हेलो नेबर की हालत कैसी है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, खंडहर है। जहाँ पहले एक अच्छा घर हुआ करता था, वहाँ सिवाय खंडहर के कुछ नहीं है। चूंकि हमारे साथ वहाँ एक हादसा हुआ था, यानी कि हेलो नेबर से हमने इतना डराया था उस नेबर ने हमें, कि हमें डर लगता था, तो हम वहाँ चुपचाप जाते हैं, जबकि पूरी तरीके से वो खंडहर था। और जब हमारी आँख खुलती है तो हम सपने में होते हैं और सपने में उस घर को वापस फिर से वही पाते हैं। फिर अगले और फाइनल एक्ट में हम अपने फियर यानी अपने डर से लड़ते हैं। हम अपने आप को फिर से छोटा बच्चा पाते हैं और डर हमें डराता है, उससे हम भागते रहते हैं। आप एक्चुअली अपने एडल्ट फॉर्म में रहते हैं और अपने आप को ही बचपन के फॉर्म में देखते हैं। आप अपने बचपन के स्वरूप को अपने डर से लड़ता हुआ देखते हैं। अब आपको अपने आप को यानी छोटे बच्चे को बचाना है बड़े फॉर्म में, और इसमें आखिरकार आप बड़े होके अपने डर पे काबू पा लेते हैं, जीत जाते हैं अपने डर से। और यहीं पर गेम का एंड होता है, जब आप अपने डर पे इतना काबू पा लेते हैं कि एक बार आप डर से भी बड़े हो जाते हैं और आखिरकार उसे हरा देते हैं। हालांकि ये सब आपके सपने में हो रहा होता है, लेकिन जो आपके मन का डर है उस पे आखिरकार आप काबू पा लेते हैं और डर को आखिरकार आप हरा देते हैं। फिर गेम के आखिरी सीन में होता ये है कि आपको एक छोटा सा घर दिखता है जिसमें हेलो नेबर कैद हुआ रहता है। अब गेम के एंड में आपने तो अपने डर से काबू पा लिया, लेकिन नेबर वैसे का वैसे ही रहा। वो अपने आप से डरता रहा। उसे ये डर था कि किसी को ये पता ना चल जाए कि उसने उसके साथ ये हादसा हुआ, और ये अपने बच्चों के साथ ही उनकी यादों के साथ अपने घर में रहना चाहता था, अपने आप को कैद करके रखना चाहता था। तो उसको आप अपने रूम में पाएंगे और उस दूसरी तरफ उसका डर रहता है जो उसका वेट कर रहा रहता है। सो फाइनली हमारा नेबर अपने डर के साथ कैद रहता है और हम फ्री हो जाते हैं। तो गेम के एंड में आप अपने आप को वापस उठा पाते हैं, जाग जाते हैं, पर इस बार आपने अपने डर पे काबू कर लिया। डर जो आपको नेबर से लगता था, अब आप देखते हैं कि वो वैसे ही का वैसे ही है घर, टूटा हुआ, पर अब आप फ्रीली घूम सकते हैं। अब आपको उस डर के साथ जीना नहीं पड़ेगा जो आपको हेलो नेबर से लगता था। तो ये थी हेलो नेबर की कहानी। होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए, गेम स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।